हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है सूचर्स। सूचर्स के बारे में जानेंगे, उनका साइज, टाइप्स एंड लेंथ कितनी होती है सूचर्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सूचर, दो टाइप के सूचर्स होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। एब्जॉर्बेबल सूचर, दीज सूचर्स आर डिग्रेडेड बाय एंजाइम इन द बॉडी। बॉडी के एंजाइम्स के साथ ये डिग्रेड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें घुलने वाले टांके बोला जाता है। एब्जॉर्बेबल सूचर्स, इनके नेम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, वाइक्रल, मोनोक्रिल, कैटगट एंड पीडीएस, ये सारे क्या हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं जो बॉडी के अंदर घुल जाते हैं। सेकंड सूचर है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है, जो बॉडी के अंदर घुलता नहीं है। दीज सूचर आर नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम इन द बॉडी। बॉडी के एंजाइम के साथ डिग्रेड नहीं हो पाता है, इसलिए इन्हें नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स बोला जाता है। इनके नाम क्या क्या है, प्रोलीन, नायलॉन, सिल्क, ये सारे क्या हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, जो बॉडी के अंदर इजीली घुल नहीं पाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब मैं आपको इमेज के साथ दिखाऊंगी कि कौन कौन से सूचर एब्जॉर्बेबल हैं और कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल हैं। फर्स्ट है वाइक्रल जीरो नंबर। वाइक्रल जीरो नंबर क्या होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, 3.5 मैट्रिक होती है एंड वाइक्रल प्लस बोला जाता है इस सूचर को। निडल होती है 40 mm, 1.5 सर्कल एंड राउंड बॉडी। राउंड बॉडी में वाइक्रल जीरो नंबर मिलता है और उसका कोड होता है 2346 एंड 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 90 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी। नेक्स्ट वाइक्रल है वाइक्रल वन नंबर। वाइक्रल वन नंबर 4 मैट्रिक में मिलेगा, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर एंड 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 40 mm, हाफ सर्कल निडल का साइज होता है एंड टेपर पॉइंट में ये सूचर अवेलेबल होता है। सूचर वन नंबर, वाइक्रल वन नंबर, 2347P इसका कोड रहेगा। अब नेक्स्ट सूचर है वाइक्रल 20। वाइक्रल 20 3 मैट्रिक का रहेगा, एब्जॉर्बेबल सूचर है, कोड 2317, एब्जॉर्बेबल सूचर, साइज क्या रहेगा, लेंथ 90 सेंटीमीटर, निडल साइज 30 mm, हाफ सर्कल राउंड बॉडी में। राउंड बॉडी में वाइक्रल 20 अवेलेबल होता है। नेक्स्ट सूचर है वाइक्रल 30। वाइक्रल 30 एब्जॉर्बेबल सूचर, इसको वाइक्रल प्लस बोला जाता है, 90 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, कोड 2328 एंड निडल साइज 26 mm, 3x8 सर्कल एंड कन्वेंशनल कटिंग में रहेगा। 30 वाइकल कटिंग में अवेलेबल होता है। सूचर्स के अंदर जितने साइज बढ़ता जाता है, निडल का साइज उतना ही छोटा होता जाता है। अगर साइज 20, 30, 40, 50 तो निडल का साइज उतना ही छोटा होता रहेगा और जितना नंबर बढ़ता है उतना ही निडल का साइज क्या होता है, छोटा रहता है। अगर जीरो नंबर है तो निडल साइज बड़ा रहेगा, 10 है तो उसके कंपेरिजन में निडल साइज थोड़ा छोटा रहेगा। तो जितना नंबर बढ़ता जाता है निडल का साइज उतना ही छोटा होता रहता है एंड ये पर्पल कलर का थ्रेड होता है वाइक्रल का। नेक्स्ट सूचर है 20। 20 एब्जॉर्बेबल सूचर, वाइक्रल रैपिड, इसको रैपिड वाइक्रल बोला जाता है एंड 140 सेंटीमीटर लेंथ रहती है। ये डबल निडल में अवेलेबल होता है, डबल निडल रिवर्स कटिंग में एंड सेकेंड टेपर पॉइंट में अवेलेबल रहेगा। इसका कोड होता है 2777P, 2777P का कोड रहता है एंड वन थ्रेड से बना होता है एंड वाइक्रल मल्टीफिलामेंट से होता है तो उसको इसीलिए मोनोफिलामेंट बोलेंगे। पीडीएस लूप का लेंथ होती है 150 सेंटीमीटर एंड कोड रहेगा 9262 एंड निडल साइज रहेगा 48 mm, हाफ सर्कल, हैवी टेपर पॉइंट, हैवी में ये अवेलेबल होता है इसलिए इसे पीडीएस लूप सेकेंड बोलते हैं, नंबर वन पीडीएस। नेक्स्ट सूचर है मोनोक्रिल। मोनोक्रिल 30 एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर है एंड लेंथ इसकी रहेगी 70 सेंटीमीटर एंड मोनोफिलामेंट में अवेलेबल होता है और कोड रहेगा 1326 एंड ये कटिंग में अवेलेबल होता है, कन्वेंशनल कटिंग। निडल साइज होता है 26 mm, 3x8 सर्कल निडल साइज रहेगा मोनोक्रिल 30 एब्जॉर्बेबल सूचर। नेक्स्ट सूचर है
वाइक्रल नंबर वन, वाइक्रल नंबर वन फोर मैट्रिक में अवेलेबल रहता है, एब्जॉर्बेबल सूचर है एंड ए वाइक्रल प्लस बोला जाता है, लेंथ 35 सेंटीमीटर, इसको पोर्ट बोलते हैं, वाइक्रल पोर्ट, पोर्ट इसलिए बिकॉज ये पोर्ट क्लोजिंग के लिए यूज किया जाता है। 2826 रिवर्स कटिंग में होता है। नेक्स्ट सूचर है सिल्क, सिल्क नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, 5332 कोड रहेगा, सिल्क जीरो नंबर है ये, राउंड बॉडी में, निडल साइज 30 mm, हाफ सर्कल रहेगा एंड इसकी लेंथ कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और ये राउंड बॉडी में, सिल्क जीरो राउंड बॉडी में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट सूचर है नंबर वन, सिल्क नंबर वन, 5062P कोड रहेगा, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है एंड लेंथ इसकी होती है 76 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, कन्वेंशनल कटिंग होता है, 60 mm निडल साइज, 3x8 सर्कल निडल साइज का रहेगा, फोर मैट्रिक में मिलता है, सिल्क नंबर वन 5062। नेक्स्ट सूचर है 5331 2020 सिल्क, सिल्क 20 को बोलते हैं, थ्री मैट्रिक में अवेलेबल रहता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है एंड 90 सेंटीमीटर लेंथ होती है थ्रेड की, 30 mm हाफ सर्कल टेपर पॉइंट में अवेलेबल रहता है, टेपर पॉइंट में मिलता है ये 20 सिल्क। नेक्स्ट सूचर है प्रोलीन जीरो नंबर, 830 इसका कोड रहेगा, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है एंड 3.8 मैट्रिक, निडल साइज 31 mm, हाफ सर्कल, हैवी टेपर पॉइंट, हैवी टेपर पॉइंट में मिलता है, 70 सेंटीमीटर थ्रेड की लेंथ होती है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर जीरो। नेक्स्ट सूचर है प्रोलीन वन नंबर, प्रोलीन वन नंबर का कोड होता है 840, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहेगा, 70 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड 30 mm हाफ सर्कल, हैवी राउंड बॉडी में अवेलेबल रहता है, हैवी राउंड बॉडी के अंदर मिलता है ये प्रोलीन वन नंबर, आप देख सकते हैं इसकी निडल। नेक्स्ट सूचर है प्रोलीन 20, प्रोलीन 20 का कोड होता है 844, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहता है, 3 मैट्रिक एंड निडल साइज होता है 31 mm, हाफ सर्कल और टेपर पॉइंट में अवेलेबल रहता है, प्रोलीन 10 एंड प्रोलीन 20 टेपर पॉइंट में अवेलेबल होगा, प्रोलीन 10 हैवी टेपर पॉइंट एंड प्रोलीन 20 ओनली टेपर पॉइंट में अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं इसका कंपैरिजन, ऊपर प्रोलीन 0 नंबर है एंड नेक्स्ट है प्रोलीन 20, प्रोलीन 20 और प्रोलीन 1 के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये हैवी टेपर पॉइंट है एंड ये ओनली टेपर पॉइंट है, प्रोलीन 0 की निडल हैवी होती है एंड प्रोलीन 20 की निडल उसके कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है। नेक्स्ट सूचर है इथिलोन, इथिलोन 20 नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, 213 ये इसका कोड है एंड इसकी लेंथ होती है 75 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है, 3 मैट्रिक, इसके अंदर कोई निडल नहीं होती है, इथिलोन 0214 इसको सूतो पैक बोलते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल रहेगा ये सूचर एंड इसके अंदर इसकी लेंथ होती है 75 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है और ये सिल्क ब्लैक, ब्लैक सिल्क के अंदर ये अवेलेबल होता है, इसके अंदर कोई ये निडल नहीं होती है, ये ओनली टाई करने के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर 2 थ्रेड होते हैं, इथिलोन 1 नंबर, 215 रहेगा, सूतो पैक बोलते हैं इसको, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहेगा, इसके अंदर भी कोई निडल नहीं होती है, ओनली थ्रेड होते हैं, ये टाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, 2 अवेलेबल रहते हैं इसके अंदर थ्रेड, 75 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है और ब्लैक कलर के थ्रेड रहते हैं। नेक्स्ट सूचर है इथिलोन 1 नंबर, इथिलोन 1 नंबर 3348 रहेगा, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहता है, 4 मैट्रिक
हैवी टेपर पॉइंट, हैवी टेपर पॉइंट में अवेलेबल होगा, 48 mm एंड हाफ सर्कल निडल साइज होगा, 150 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी, इसको लूप इथिलोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट सूचर है इथिलोन 20, इथिलोन 20 थ्री मैट्रिक में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, कोड 3336, 70 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी, 20 बोलते हैं इसको, 45 mm 3x8 सर्कल रिवर्स कटिंग में अवेलेबल होगा। इथिलोन 20 रिवर्स कटिंग में मिलता है, 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। नेक्स्ट सूचर है इथिलोन 30, इथिलोन 30 का कोड रहेगा 3328, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है एंड मोनोफिलामेंट, 70 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी, निडल साइज रहेगा 26 mm 3x8 सर्कल रिवर्स कटिंग, 30 इथिलोन रिवर्स कटिंग में अवेलेबल रहता है एंड ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, 70 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी। थैंक यू गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।